अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी के कार्यक्रम सुशासन दिवस में एलईडी ना चलने से पीएम का वर्चुअल संबोधन नहीं सुन सके किसान। एलईडी ना चलने से अधिकारियों के हाथ पांव फूले। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया गया पालन। चंदौसी तहसील के ब्लॉक बनियाखेड़ा में किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। राज्य मंत्री गुलाब देवी समेत जिले के सभी नेता थे कार्यक्रम में मौजूद। क्या समस्या बताओ? हमें समस्या का हल आई। अब कौन आए लोग? कोई ना लगा पे आ गए। अब गांव के आ रहे हैं तो ही सब सब आप भी आ गए। आपको जानकारी क्या चल रहा है? हमें तो जानकारी इतनी कहा सकते हैं। आपको जानकारी नहीं ऐसी आ गए आपका? सुनने ना कोई आए गए? सुनने को आए हैं तो समझ में आ रहा है? आ जाए वो समझ में आ रही है तो ना रहा हूँ। कौन? हाँ भाई तो कोई ना बोल रहे। अभी कोई नहीं बोल रहे। बोल के ना कहाँ बोल रहे? हमें तो माइक में मन पड़ना रहे। कोई कोई नहीं बोल रहे। कोई ना बोल रहे। क्या नाम है आपका? पार्वती। क्या करने आई हो? मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ? आई हूँ कुछ बचंग है। क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? हाँ प्रोग्राम चल रहा है? क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? ना पता ये पढ़ रहा लड्डू और खाना ही लड्डू खाना चाय पीने कमल बटेंगे गरीब लोग कमल बटेंगे कमल कहाँ बटो बेटा गरीब मंत्री जी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उस अवसर पर बनियाखेड़ा विकास खंड में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आया है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसको बहुत ध्यान से सुनने हैं और उनका वो पालन करेंगे और वो माननीय मोदी जी के साथ में है। जिस तरीके से यहाँ पर एलईडी वगैरह नहीं चल पा रही है, क्या कहेंगे? ये तो मशीनरी की बात है, कभी आवाज कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या कहना है? इसमें कहने की क्या बात? ब्लॉक में आए थे क्या कार्यक्रम होता है? कार्यक्रम जो हुआ प्रधानमंत्री की माफ कर वो तो इन लोगों के अल्प के हुआ है ना कि किसान को कोई मतलब नहीं है। इस माल बचेगा जे खाएंगे जे खाएंगे किसान को ना चाय होगी ये 2 रुपए का पैकेट है। अच्छा आप लोगों को पता था क्या कार्यक्रम था यहाँ? हाँ, क्या बताया गया? किसान के बारे में बता रहे हैं। पीएम की योजना दिखाई जा रही है हमें, प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है वो हमारे लाभ को दिखाई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। आपको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है? जो प्रधानमंत्री जी एक वो दे रहे हैं किसान सम्मान निधि वो आपको मिल पा रही है? वो मिलता है। वो मिलता है जी, समय पे मिल जाती है बात। हमें समय पे मिलता है। अच्छा उसके लिए क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? क्या प्रधानमंत्री को कोई बुरा नहीं बता रहा है? कर्मचारी माल को एक बार आया था पैसा बिल आए नहीं है। कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा आया और आने के बाद रोक दिया, अब तक उसका कोई समाधान नहीं। ठीक है चाचा। क्या नाम है आपका? लज्जा। कहाँ रहती हो? जहरोई। क्या प्रोग्राम चल रहा है? क्या प्रोग्राम चल रहा है? कहाँ प्रोग्राम क्या चल रहा है यहाँ पे? प्रोग्राम बाग के बारे में चल रहा है। बाग के बारे में क्या नाम है? किसका नाम है? लिखी किसका नाम मिली? भाई की भाई की यही जेल क्या मिल तो कहाँ धरती बारे। आपके समझ में कुछ आ रहा है? प्रोग्राम चल रहा है, समझ में आ रहा है? हम तो अभी हाल यहाँ। कितने लोग बैठे हो आपको? अबे यहाँ तुरंत यहाँ आने एक देर। आपको सूचना दी गई थी, किसने बुलाया था आपको? प्रधान ने। क्या कहा था प्रधान जी? नो कह रहा नो, हम तो खुद ही यहाँ आने था। हमें पेंशन पेंशन 50 रुपए कुंटल तो आपको उसमें अभी जनक भी यातायात मिलेगा जो मिलता है, जैसे बात करना आता है। और जब आप पैदा कर लोगे पूरा एक साल बाद जब आप उसे काट के बीज के रूप में दोगे दूसरे किसान को ना उस पर आपको ना मिलेगा। गन्ने को ऐसे जो कितनी बार मिलेगा गन्ना किसान की? कितनी बार गन्ना मिलेगा? एक बार दो बार साल में? कितने गन्ना मिलेगा? दो बार मिलेगा, दो बार आता है। कितने पे कुंटल मिलता है? 400 कुंटल। और अगर आप प्राथमिक गौशाला में जाते हैं जो किसान से गन्ना लेते हैं वो 325 रुपए।
हाँ समिति का सदस्य सदस्य होना आ रहा है। इसके लिए फीस जमा करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? सदस्यता होती है 221 रुपए, 221 रुपए सदस्यता सुनते हैं। हर महीने आती है, साल जाती है, केवल लोक नायक एक बार जाता है हमेशा। अगर व्यक्ति सदस्य बनेगा तो एक बार सदस्यता शुल्क उसकी 200 रुपए शेयर है, 21 रुपए एंट्री फीस है, यानी 221 रुपए उसे पेड करना पड़ता है और आजीवन उसे सदस्यता मिल जाती है सोसाइटी में। उसके नाम पे जमीन होना चाहिए। ये बताइए, किसान परेशान है और गन्ना जो है यहाँ पे नहीं तुल रहा है, इस तरीके से वो किसान परेशान है, उनके लिए कोई समस्या है आपके पास? नहीं, ऐसा है जो हमारे सदस्य हैं जिनको हम पर्ची इश्यू कर रहे हैं उनका सबका गन्ना तुल रहा है, कोई ऐसा नहीं जो आप आज तक किसी ने लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया कि हमारा गन्ना नहीं तुल रहा है ना कैलेंडर के संबंध में। आपका नाम क्या है? मैं सचिव गन्ना समिति चौधरी हूँ।